कैनेडा का प्रोसैसिंग टाइम की चल रहा है जी, क्योंकि हुण मेन टेक बहुत नज़दीक है। पी टी ई दा नैगेटिव चल रहा है, हाले पी टी दी जिहड़ियां फाइल्स ने वो थोड़ा जा, अगर जिहड़े बच्चों की रिजैक्शन आ चुकी है आईएलटीएस नूं लैके पी टी नूं लैके कोई भी रीज़न है तुहाडा, उसनूं मैं फेर कह रहा पी टी दे विच जिहड़े फंडस हुंदे ने फंडस नाल सो जी कॉलेज की पी पी आर पॉलिसी है उसका प्रॉपर ध्यान रखो। कई बच्चों रीफंड पॉलिसी नहीं पता होंगी भी जे अगर असी इस इनटेक तो बाद नैक्सट इनटेक डेफरल कर लिया। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, उम्मीद करदा सारे जन चढ़दी कला च होगे, तंदुरुस्त होंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो देहा जेवा जीरो। सो कैनेडा का प्रोसैसिंग टाइम की चल रहा है जी, क्योंकि हुण मेन टेक बहुत नज़दीक है, जैन खत्म हो चुके, फरवरी का महीना शुरू हो गया। सो जिहड़े भी स्टूडेंट्स ने मेरे टेक अप्लाई करना, सो होपफुली अगर उन्होंने सब कुछ हो चुके, अगर हफ्ते के 10 दिन के बच्चे फाइल लॉन्च कर लेंगे ने तो बहुत सक्सैस रेट है कि 30 से 35 दिन के उन्होंने रिजल्ट आ जाऊगा फॉर मेन टेक, और ईजली मेन च स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ा प्रोसैसिंग टाइम है कैनेडा का हूँ फिलहाल की घड़ी 30-35-25-30-35 दिन का रह गया, जेडे कि आइल्स का गल कर रहे हैं। सो पी टी ई का नैगेटिव चल रहा है, हाले पी टी दी जिहड़ियां फाइल्स ने वो थोड़ा जा अगर उन्होंने रिजैक्शन आ चुका है तो थोड़ा जा डिले कर, अगर किसी ने फस्ट टाइम अप्लाई करना है तो प्रॉपर अपनी फाइल में प्रेजेंटेशन प्रॉपर चैक कर, एस ओ पी बहुत चंगी तरीके देख के ही उसू पी टी की जी फाइल है तो उसू फिर ही तुम बेसिस अप्लाई करो। अगर जेडे बच्चों की रिजैक्शन आ चुकी है आईएलटीएस नूं लैके पी टी नूं लैके कोई भी रीज़न है तुहाडा, उसू प्रॉपरली ध्यान नाल देखो, काली ना करो कि जल्दी जल्दी मेन टेक च जाना है। देखो जल्दबाजी सारे नूं हुंदी है, बट प्रॉब्लम इत्थे ए आ जांदी है, वीज़ा ऑफिसर अपना टाइम लैंदा, अंबैसी अपना टाइम लैंदी है, बट इत्थे कंडीशनस आउंदियां ने अप्लाई हुंदियां ने जी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस वालों कि बाय दिस डेट तुहानूं पी पी आर अपनी देनी पैंदी है। कई बार बच्चों की उस डेट तो पहला पी पी आर हो जाती, वीज़ा स्टैंप भी हो जाता, बट फिर भी उन्होंने बहरहाल मेन टेक तो छड़ के सैप्टेंबर जाना पैंदा है। क्यों? क्योंकि मेन टेक छोटा इनटेक है, बहुत स्टूडेंट अप्लाई कर चुके हैं मे च, तो हले बहुत बच्चों की जिन्हें वीज़ाज आ चुके हैं, कुछ नूं तां मेन टेक च सीट अवेलेबल हो रही है, तो कुछ नूं कोर्स चेंज करके मेन टेक डन कर रहे हैं, वो तुसीं भी कर सकते हो अगर तुहाडा वीज़ा आ जाता है, बट रेलीवेंट कोर्स ही लियो। अगर तुहाडा कोर्स रेलीवेंट नहीं हैगा, स्टडी तुहाडी डिफिकल्ट है, वीज़ा तुहाडा आ चुका है ते तुहाडी कंडीशन है मेच जाना, तो मैं कहूँगा 2-3 महीने की गल है, फिर तुसी सैप्टेंबर इनटेक चले जाओ। अगर तुहाडी प्रायोरिटी उसी इनटेक नूं, अगर तुहानूं हैगा भी मैं तो जे एक बार कैनेडा जाना, डजन मैटर के 4 दिन स्टडी है जां 5 दिन स्टडी है, तो प्रैक्टिकल काम किन्ना भी किन्ना डिफिकल्ट है भी रेलीवेंट जां नहीं हैगा, रेलीवेंसी तो ज़्यादा जरूरी, मेरा इंट्रस्ट नहीं हैगा, जिस काम च बच्चे तुहाडा इंट्रस्ट नहीं होगा तो उस से तुसी खुश नहीं रह सकते, तो वो चीज़ां तुसी प्रॉपर ध्यान नाल देखो। बैकलॉग काफ़ी जल्दी नबेड़े है, तो बैकलॉग नालों नालों अंबैसी जिहड़े हुण पी टी दीआं फाइल्स ने तो उन्होंने 18-18-20-20 घंटे ही जवाब दे रही है। सो इहदा मतलब यह नहीं कि बच्चों को पी टी बैन नहीं होंगी, सो पी टी का जिहड़ा बैन क्राइटेरिया उही डिफिकल्ट लैवल पर जा सकता है। सो जिहड़े बच्चे ने पी टी दे अप्लाई किया होया, कोशिश करो पी टी का स्कोर थोड़ा जिहा इनक्रीज़ करके कंपैरिजन एस ओ पी दे विच शो करके वीज़ा तुसीं अप्लाई करो। अगर तुहाडा रिजैक्शन आ चुकी है तद या तुसी पी टी नूं छड्ड के आईएलटीएस इंप्रूव करके फिर भी तुसी फाइल अंबैसी च लगा सकते हो, या थोड़ा टाइम तुसी डिले करो। जिहड़े बच्चे ने हुण फस्ट टाइम अप्लाई करना पी टी नूं, सो एस ओ पी प्रॉपर ध्यान रख के ही तुसी चलो। जदों भी तुहाडी रिजैक्शन आ जाती है स्टूडेंट, तुसी प्रॉपरली ध्यान नाल देखो भी ये ऑटोमेटेड रिजैक्शन है या तुहानूं लगता कि तुहाडी फाइल दे विच ही कोई कमी सी, भी जो तुसी पहला नज़रअंदाज की है वो हुण तुसी दोबारा नज़रअंदाज ना करो, उसनूं मेन पॉइंट एस ओ पी दे विच डिफाइन करके करो। इंटरव्यू के भी मैं डिस्कशन किया, जो मैम नाल मेरी गलबात होंगे, जो भी थोड़े क्वेश्चन आंसर होंगे ने, मैं फिर कह रहा पी टी दे विच जिहड़े फंडस होंगे ने फंडस नाल तुसी गड़बड़ ना करो, 15-20 हज़ार वध गई घट गई, सो इट्स योर लाइफ। मैं एक या दो बारी तुहानूं कह सकदा उस गल ते अमल करना ना करना बचो, इट्स योर लाइफ। सो तुसी उस फंड नूं प्रॉपरली रखे रखो जिन्ना टाइम तुहाडा वीज़ा नहीं आउंदा। अगर एक भी बच्चे का फंडस नूं लैके प्रॉब्लम आउंदी है तो सारे बच्चों का वेरीफिकेशन शुरू हो जूगी, तो मैं मानदा भी वेरीफिकेशन होवे ना होवे, बट तुहानूं बहरहाल हरेक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तुहाडे फंडस प्रॉपर होण, पी पी आर तक होण, वीज़ा स्टैंपिंग तक भी होण, तुहाडे फंडस फंड नाल तुसीं छेड़छाड़ ना करो। 50-60 हज़ार घटा लिया वधा लिया घटा लिया वधा लिया तुसीं कर सकते हो। सो जिहड़ी कॉलेज की पी पी आर पॉलिसी है उसका प्रॉपर ध्यान रखो। कई बच्चों रीफंड पॉलिसी नहीं पता होंगी भी जे अगर असी इस इनटेक तो बाद नैक्सट इनटेक डेफरल कर लिया, फाइल तुसी अप्लाई नहीं करनी, तुसी नाल दी नाल रीफंड मांग रहे हो, तो उस केस दे विच
कुछ कॉलेजेस तुहानू रिफंड नहीं करते क्योंकि तुसी डिसीजन तुसी दोबारा कह रहे हो भी असीं अपलाई करना है, बट समहाउ कुछ रीजनस करके तुसी अपलाई नहीं कर रहे। अगर तुसी 100% श्योर हो कि तुसी अपलाई करना है तद ही डैफरल लो। अगर तुसी एक बार डैफरल ले लिया तुसी रिफंड ले रहे हो तो उन्होंने पॉलिसी है बहुत डिडक्शन होगी तुहाडी फीस की 40-50% भी सारी की सारी भी जा सकती है। सो डैफरल पॉलिसी PPR पॉलिसी ध्यान च रखते हुए ही अपनी जी फाइलिंग का जोड़ा प्रोसैस है वो तुसी जल्दी जल्दी करो। 20-25 फरवरी तक की मैं कह रहा कि 15-20 दिन के तुसी अपनी जी फाइल है लॉन्च कर लो। अगर तुसी मेन टेक जाना चाहते हो चाहे सैप्टेंबर जाना चाहते हो फिर भी तुसी जल्दबाजी करो, ठीक है जी। बाकी नैक्सट वीडियो गल करेंगे, टिल दैन टेक केयर, गुड बाय, रब रखा।